फुटबॉल पे रह रहे लोग बाग वो मांग के खा लेंगे। कलाकार हम भी कटोरा लेकर थोड़ा जाएंगे, एक हमारे को धोके शर्म आएगी, हमारे को जाने वाले कलाकार दूसरा सुनेंगे वो फरौने की औरत यार मांगती भरी भी भूखे मरते मर जाएंगे, पर मांगने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, फिर कलाकार की इज्जत क्या रहेगी। मेरे पापा हारमोनियम बजाते हैं, मेरे भाई ढोलक बजाता है और मैं डांस करती हूँ, इसी से हमारा घर चलता था और अब तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं कल या परसों हम स्कूल जाके आए, वहाँ पे मैम से मैंने बोला कि मुझे बुक्स दे दो मैम, तो उन्होंने बोला कि बेटा फीस जमा करानी पड़ेगी पहले, मेरे पास फीस के भी पैसे नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा ना, जब से हमारे इतनी परेशानी आ गई, बालक बच्चे भी सुबह उठ के शाम के दिन में रोटी लाओ पापा रोटी लाओ मम्मी, अब रोटी हुई तो खिलाए, अब रोटी नहीं है तो कहाँ से खिलाए। टाइम पे इनको रोटी तक नहीं मिल रही, चाय नहीं मिल रही बेचारों को, हम चाय भूखा रह जाएंगे, पर बच्चे थोड़े भूखे रहेंगे, किन से भूखा रहे हम। केसरिया निबलब अबोनी। फोक आर्टिस्ट जो है, जो राजस्थान का, हमारे देश का, पूरी देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, आज ये स्थिति आ गई है कि वो उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। स्थिति इतनी ख़राब है, प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं वो एनेमिक हो रही हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं वो ये कहते हैं हमें ये भी नहीं पता कि हमारा बच्चा जिंदा होगा या नहीं होगा। मेरे बारे में ये बता सकती हूँ कि मेरी हालत बहुत डाउन है, डांस कितने करवा ले हम पीछे नहीं हटेंगे, गाना कितने करवा ले पीछे नहीं हटेंगे, पर कलाकारों के लिए कुछ करो तो सही। कई कलाकार आज एक दूसरे को चेहरे के ऊपर देखकर आंखें मासूम टपकते हैं, तो बहुत दुख वाली बात होती है। अब वो समय आ गया है कि हम सबको जुड़ करके मिल करके उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा कल्चर है, उन्हीं की वजह से हमारे देश की पहचान है। आप केवल हमारी मदद करो, हम इंश्योर करेंगे कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उस तक वो सामान पहुंचे।